हेलो एवरी वन यू आर वेलकम टू बैसनोस टुटोरियल इन दिस वीडियो वी विल भी टॉकिंग अबाउट फ्लावरिंग ऑफ रिनेसा वी आर डूइंग अ डिस्कशन ओवर रुनेसा टॉपिक राइट नाउ और आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ देख लिए होंगे नाव लेट्स कम टू दिस वन फ़्लांग ऑफ रिनेस आर द एज ऑफ शेक्सपियर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जो एज ऑफ शेक्सपियर है इट वॉज बिटवीन फिफ्टीन फिफ्टी एट टू सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव फ़िफ्टीन फिफ्टी एट क्यों लिया जाता है इट वॉज टाइम ऑफ एक्सेशन ऑफ़ एलिजाबेथ शी एक्सेस टू थ्रोन एंड सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट तो फिफ्टी आपका एलिजबैथ से रिलेटेड ईयर है जब उन्हें अपनी मिली थी एंड इट वॉज डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मी डा इन फिफ्टीन ये भी काफ़ी बार ये ईयर पूछा जाता है फिफ्टीन ऐटी एंट इस्टिश द रिफॉर्मेशन एज अ फैक्ट नाउ सम आर फ्रॉम एलिजाबेथ सो क्वीन एलिजाबेथ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि uh, जो स्पेंसर की ग्लोरियाना है कैरेक्टर ग्लोरियाना है वो किसको रिप्रजेंट करती है या करता है तो वो है आपका एलिजाबैथ को रिप्रजेंट करती है रालिफ सिंथिया जो रालिफ के सिंथिया कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है एलिजाबेथ को एंड शेक्सपियर ने यूज़ किया है फेयर वेस्टल थ्रोन बाय द वेस्ट तो ये अगर बात करें कि किसको रिप्रेजेंट करता है या किसके लिए कहा गया है टू हुम शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड फेयर वेस्टल थ्रोन बाय द वेस्ट सो इट वॉज़ एलिजाबेथ एवरी ब्रीज वॉज डस्टी विद द पॉलिंग ऑफ ग्रीस रोम एंड इटली सो

और क्योंकि जो यूफियस एस जो टॉपिक एक टर्म इंग्लिश लिटरेचर में आया था वो इसी वर्क की वजह से आया था आर्कैडिया बाय सिडनी एंड फेरी क्वीन ये दोनों के दोनों वर्क जो थे फिक्शन इन ऑर्डर टू एक्सप्ल एंड आइडियल टू मॉरल एक्सीलेंस तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इस टारगेट से लिखे गए थे या उनका जो एक हम कहें कि एक मॉरल लेसन देने के लिए लिखे गए वर्क थे सो नाओ लेट्स कम टू दैक्स्ट वन इन्फ्लुएंस ऑफ वॉइजर्स अगर हम कहें कि जो वॉयजर्स uh, का इन्फ्लुएंस हमें किस किस वर्क पर देखने को मिलता है इट वॉज डेफोज रॉबिसन क्रूसो एंड कॉलरिस देंशन मरीना दे वर् इन्फ्लुएंस्ड बाई परचर्ज पिलग्रम्स जो परचेज था उनका वर्क था पिलग्रमेज उससे इन्फ्लुएंस तो थे ही लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन कौन से वर्क विच वर्कस आर यू नो फॉलोइंग वर्कस आर इंफ्लुएंस्ड बाय वॉइजर्स इन द टाइम ऑफ रिनेसा रोनीसा के टाइम में अगर वॉइजर्स से इन्फ्लुएंस्ड वर्क की बात करें तो पहला है आपका डेफोज डनील डेफो का जो वर्क है रॉबिसन क्रूसो एंड सेकेंड है आपका कॉलरेज का एंशेंट मरीना उस टाइम का इम्पैक्ट uh, कहीं ना कहीं कॉलरिज uh, का कॉलरज के एनशेंट मरीना पर इंफ्लुएंस देखने को हमें मिलता है द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग तो जो रिवाइवल हो रहा था क्लासिकल लर्निंग का उसका इन्फ्लुएंस भी हमें वर्क पे देखने को मिलता है सो स्पेंसर से हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी और जो स्पेंसर ने लिखा था हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी प्लेटो का रिपब्लिक हो गया मोर्स यूटोपिया एंड बेकन्स एटलांटिस नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन जॉन कैलविन द थियोलॉजी ऑफ प्योर्टन्स वॉज मेनली डाइव फ्रॉम द फिलासफी ऑफ द जॉन कैलविन नोन एज कैलवनिज़म तो जो कैलवनिज़म है वो जॉन कैलविन की ही थियोलॉजी से निकल कर आता है नाउ लेट्स कम टू दी फ़िलिप सिडनी सर फिलिप सिडनी 1554 टू 1586 इनके कुछ वर्क हैं जिसके लिए सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं ए क्यूब ए क्यूब आप लोगों को याद दिलाएगा कि उनके तीनों वर्क का जो नाम है वो ए से स्टार्ट होता है सो फर्स्ट इज़ आर्केडिया सो आर्कैडिया गाट पब्लिश इन फिफ्टीन नाइन्टी एंड अपॉलॉजी फॉर पोइट्री इट गाट पब्लिश इन फिफ्टीन एटी एस्टोफल एंड इस्टेला फिफ्टीन नाइन्टी थ्री यहाँ पर एस्टोफल एंड इस्टेला के बारे में एक शॉर्ट नोट है इट वॉज़ कलेक्शन ऑफ सानिट एंड सिडनीज़ लव फॉर पेनलॉफ सिस्टर ऑफ आल ऑफ अ सेक्स सो इसमें जो स्टेला है वो कौन है आपकी पेनलॉफ है और जो एस्टोफल है वो कौन है आपका सिडनी तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एस्ट्रोफल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है तो वो सिडनी है एस्टेला जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपका पेनोलॉग नाउ लेट्स कम टू द एडमन स्पेंसर एंड अबाउट हिज वर्क्स सो फिफ्टीन फिफ्टी टू नाइनटी नाइन तक उनका लाइफ स्मान था एंड ग्रेटेस्ट नन ड्रामेटिक पोइट उस टाइम के जो इन्होंने ज़्यादातर कौन सी क्या चीज़ें लिखी है ये पोइट्री की ओर हम कहें कि इन्होंने काफ़ी सारी पोइट्री लिखी थी एंड फर्स्ट वर्क वॉज द शेफर्ड कैलेंडर विच गॉट पब्लिश इन फिफ्टीन सेवेंटी नाइन एंड इंस्पायर्ड बाई थियोक्राइटिस एंड वर्जिल्स ब्यूकोलिका तो इनको जो इंस्परेशन मिला था वो कहाँ से मिला थियोक्राइटिस एंड वर्जिल की जो वर्क है ब्यूकोलिका से तो इससे आप लोगों को एक अगर बार बार आप रिपिटिशन में पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाएंगी जैसे कि ब्यूकोलिका अगर वर्क आता है तो बहुत ही टफ़ uh, क्वेश्चन माना जाएगा मेरे हिसाब से और uh, अगर हम इस तरह से इनको बार बार रिपीटिशन करते हैं तो हमें याद रहेगा कि वर्जिल का ही वर्क बिल्कुल का है मिसलेनियस टेल फिफ्टीन से फिफ्टीन मदर हबार टेल अ रिमार्केबल सटाया ये एक तरह का सटाया है एंड कंप्लेन कलेक्शन ऑफ पोएम्स रियस ऑफ टाइम्स द टीयर्स ऑफ म्यूजिक म्यूजिस सो ये इनके कलेक्शन ऑफ पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं कॉलिस् क्लाउड 1595 में एन ऑटोबायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम सो कॉलेंस क्लाउड जो 1595 में इन्होंने लिखा वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है अ शेफर्ड हु इज़ विजिटेड बाय दी अनदर शेफर्ड सर वॉल्टर रालेफ तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो नेक्स्ट शेफर्ड था जो कि जो मिलने आया था वो किसको रिप्रेजेंट करता था तो वो थे आपके सर वॉल्टर रालेफ एमोरति एमोति 1595 नाइनटी फाइव एटी एट पेट्राकन सोनेट्स आर देर जो आ, लिखे गए थे उसमें जो कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है 88 एट पेट्राकन सोनेट्स सम वेयर यू विल फाइंड एटी एज़ वेल कहीं कहीं आपको इसमें 89 नाइन भी मिलता है सो ही डिस्क्राइब्स द प्रोग्रेस ऑफ हिज लव फॉर एलजबैथ बॉयले और यहाँ पर जो स्पेंस है वो किसके लिए लिख रहे हैं वो है आपका एल्जबैथ बॉयले के लिए लिख रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री क्वार्ट्रंस और जो सोनेट्स हैं उन्हें थ्री क्वार्टेंस में यूज़ किया गया है यूज uh, हुआ है जो राइम स्कीम है वो है आपका ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी कॉलरेज कॉल्ड इट मेडनलीनेस और उन्होंने इसको मेडनलिनस भी कहा है किसने कॉलरेज ने एपिथेलिमियन जो वर्क है वो आपका 1595 में इसका पब्लिकेशन हुआ था नोबलेस्ट वेडिंग हिम एंड फॉर द मैरिज ऑफ एलजबेथ बॉयले तो उन्होंने किसके लिए इसको लिखा था एलजबेथ बॉयले के लिए लिखा था एपी प्रोथेलेमियन प्रो थैलेमियन में इस, ये ये पब्लिश हुआ था अनदर मैरिज हिम इट वाज अ मैरिज हिम अगेन एस्टोफल जो 96 में पब्लिश हुआ था एलेजी ऑन द डेथ ऑफ सर फ़िलिप सिडनी इन्होंने फिलिप सिडनी की डेथ पर ये एलेजी लिखी थी अ प्रोस् ट्रिटी नेम्ड द व्यू ऑफ आयरलैंड तो उन्होंने एक प्रोस्ट ट्रीटी भी लिखा था जिसका नाम था द व्यू ऑफ आयरलैंड नाउ लेट्स कम टू द कंप्लीट वर्क द फेरी क्वीन वी विल बी डूइंग अ डिस्कशन ओवर द फेरी क्वीन इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स अब आप ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ट नोस डॉट कॉम अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए यहाँ आपको मिलेंगे सोलह सौ बीस एग्जाम्स के लिए सेवेंटी थाउजेंड टेस्ट सो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने एग्ज़ाम का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए जब आप एग्ज़ाम का नाम जैसे आप टीचिंग एग्जाम में अगर यू जी सी नेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंपली यू जी सी नेट इंग्लिश को क्लिक कर सकते हैं आप फ्री मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पेड टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली पेड टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पेड टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं वन फोटी नाइन टू फोर्टी नाइन एंड फॉर ईयरली अगर आप ईयरली ज्वाइन करना चाहते हैं तो फाइव नाइन्टी नाइन में आप टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन